पीछे 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 जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ मौजूद है जो जम्मू पुंछ सीट से जीत चुके हैं। जुगल जी, जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है, जिन्होंने इस देश की खातिर साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, ये सारा का सारा श्रेय जो है वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनको जाता है। जुगल जी, आपको हराने के लिए काफी एंटी कैंपेन चलाई गई यहाँ पर कि आपकी तरफ से कोई काम नहीं करवाया गया जम्मू पुंछ पे कोई काम, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया है आपको जितवा के। आशीष जी, आपने देखा होगा कई बार आप लोगों के बीच में गए हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनियोजित तरीके से ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन लोगों ने कांग्रेस एनसी और पीडीपी को करारा झटका दिया है और उन्होंने उनको जवाब दे दिया है और भारी मतों से जहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने आते मुझे विजयी बनाया। जुगल जी, अब आप इलेक्शन जीत चुके हैं, जो 370 की बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या अब हम माने 35 भी हटाया जाएगा और 370 भी हटाई जाएगी? कारण यह है कि आज तक 35 है और 370 ने जम्मू कश्मीर को दिया क्या? भूखमरी, बेरोजगारी और बेकारी और विकास भी जहां का नहीं होता, और हमें हमेशा केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। हम अपने शोषण भी पैदा नहीं कर सके इन 60 सालों में, इसलिए बाकी प्रदेश जो है जहां 370 से नहीं है वो भी तो विकास कर रहे हैं, हम भी उनकी राह पर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का आपने सुपड़ा साफ कर दिया पूरे देश के अंदर, राहुल गांधी भी स्मृति राणे से हार गए जिनसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी। हाँ, ये ठीक कहा आपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात जो है वो अब राहुल गांधी को समझ आ चुकी होगी कि देश की जनता जो है वो ये सब जानती है कि कौन कितने पानी में है, कौन देश की खातिर और कौन अपने परिवार की खातिर काम करता है। जुगल जी, तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में किस तरह से काम किया जाए? देखिए, जिस तरह का माहौल इस समय जम्मू कश्मीर में बना है तो आपने देखा होगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी हार चुके हैं, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार चुकी हैं। देखिए, जो देश हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जुगल किशोर शर्मा, और जुगल किशोर शर्मा ने साफ कह दिया है 370 और 35 ए को तोड़ना सबसे पहला काम रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू पुंछ, उधमपुर डोडा व लद्दाख सीट, तीनों सीटें जीत ली है। हमारे साथ अंकुश गुप्ता जी हैं। अंकुश जी, क्या कहना चाहेंगे इस जीत के ऊपर? आप जो आप लोगों ने, आप सभी वर्कर्स ने काफी काम किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछली टर्म में आते ही जो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसकी जीत का दिन है। वो नारा ही नहीं था, वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल तक जो इम्प्लीमेंट हुआ, ये आज उसकी जीत है, ये लोगों की जीत है, ये ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स की जीत है। और इतनी बड़ी जीत जो आज हुई है, इसमें सब दिखाता है कि कांग्रेस को, कि अब कांग्रेस को पूरा देश अब एक्सेप्ट कर रहा नहीं है, कांग्रेस को भी संभलना चाहिए, उनको अपना देखना चाहिए कि क्या एक्चुअली उनसे हो रहा है। सिर्फ बातें करने से और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलता है। ये आज नरेंद्र मोदी जी की जीत, हमारे वर्कर्स की जीत, हमारे पार्टी लीडरशिप की जीत, अमित शाह जी की जीत, और ये जो हमारी जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, इस बार उन लोगों ने खुद बढ़ चढ़ के जो पार्टी के लिए काम किया है, हमने ग्राउंड लेवल पे देखा। हम सबको बोलते थे कि इस बार सिर्फ हमारे पार्टी वर्कर्स ही काम नहीं कर रहे, जो पब्लिक है, जो वोटर्स हैं, वो हमारी पार्टी के लिए वोटर्स मांग रहे थे, आज उन सबकी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी अभी भी आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देखने को मिल रही है, और सारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, और ये सभी की जीत है, और महबूबा मुफ्ती भी इलेक्शंस हार चुकी हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए।